رحم الله من قرأ الفاتحة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين، والصلاة السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ومولانا جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال الإمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام نقلا عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقبل أعمال الأمة إلا بولايتنا أهل البيت صلى الله عليه وسلم एक और सलवात पढ़ें मिलजुल कर मोहम्मद व आल मोहम्मद। बराए सलामती इमाम असरार वाहुन अलौल फिदा मिलजुल कर सलवात पढ़ें मोहम्मद व आल मोहम्मद। तमाम मोमिनीन मोमिनात की हिफ्ज़ व सलामती के लिए, हिफ्ज़ व अमान के लिए, खुसूसी तौर पर जो लोग मरीज हैं उनकी शफायाबी के लिए, तमाम मोमिनीन मोमिनात जो मरहूम हो चुके हैं उनकी मगफरत के लिए, खुसूसी तौर पर बानी मजलिस की शफायाबी के लिए मिलजुल कर सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अरबाब दानिश अहले इल्म हज़रात, सबसे पहले तो मैं आपसे माजरत ख्वाह हूँ, आज थोड़ा ताखिर हुई हमारे लिए और बहरहाल ये माह अज़ा है, माह मुहर्रम है, हर कोई फर्श अज़ा की जीनत बना हुआ है और ज़िक्र सैयदुल शुहदा अलैहिस्सलाम में अपना कीमती वक्त
अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के निसार करके इस बात का सबूत दे रहा है कि यकीनी मानों में इस विलायत और इस मोहब्बत का अगर कोई हकदार है तो वो महिबान अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम है, जिन पर ख़ास नजर इनायत जनाब फ़ातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। सलवात पढ़े मोहम्मद। एक बात को अर्ज़ करूं, और यकीनन इससे कीमती और इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती कि जनाब सैयद आलम सलामुल्लाह अलैहा जो इस रूए ज़मीन पर सबसे बरगुजीदा शख्सियतों में से हैं, ये फ़र्श अज़ा उनसे मंसूब है, ये फ़र्श अज़ा उनसे मखसूस है। यकीनन जनाब सैयदा उस फ़र्श अज़ा पर आती हैं, और जब ये चीज़ मखसूस और मंसूब है जनाब जहरा से, जब उनकी इतनी ज़्यादा अजमतें हैं, बुलंदी है, फजीलत है, तो इस फर्श अज़ा से मंसूब हर चीज़ बाअज़मत हो जाती है। अब चाहे वो आज़ादार हों, चाहे नवा खान हों, चाहे मरसिया खान हों, चाहे मजलिस पढ़ने वाले हों, चाहे वो सामे हों, चाहे वो आज़ादार जो भी शक्ल में हैं, क्योंकि वो जनाब जहरा से मुंसलिक हैं, उनसे मंसूब हैं, तो उनकी अजमतों का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है कि किस बुलंदी पर वो हैं, किस जगह हैं, कितना मकाम है, कौन सा मकाम, कौन सी फजीलत है। यकीनन इनकी अजमत और फजीलत का अंदाज़ा सिर्फ सिर्फ अहले बैत लगा सकते हैं, और इसका अज्र भी कोई नहीं दे सकता है सिवाय अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के। इसका अज्र देने के लिए बीबी जनाब सैयदा हैं, जनाब मौलाए कायनात हैं, आइम्मे मासूमीन हैं, अलैहिस्सलाम हैं, वो इसका अज्र देंगे कि इसका अज्र क्या है। यकीन जानिए किसी इंसान के बस की बात नहीं है कि वो एक जिक्र हुसैन करने का अज्र अता करे। मासूमीन ने तो जब मजलिसे अज़ा बर्पा करते थे, मासूमीन की सीरत रही है, उनकी सुन्नत रही है कि मासूमीन ने हीरे और जवाहरात से, दहरम और दीनार से, जाकिराने जो भी अहले बैत अतहार का तस्करा करते थे, जो भी अहल सैयद शहदा के मसाइब को बयान करते थे, जो भी नौहा और सलाम पढ़ते थे, मरसिया पढ़ते थे, उनका मुंह भर दिया करते थे, उनको दौलत दिया करते थे। ये दुनियावी दौलत है, मासूम देकर ये साबित कर रहे हैं कि देखो जब हम तुम्हें इतना यहाँ दे रहे हैं तो वहां कितना मिलेगा उसका कोई अंदाजा नहीं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और यकीनन आज 8 मुहर्रम है, और हमें यकीनी तौर पर खुदावंद आलम का लाख लाख एहसान और शुक्र है कि हम उससे जिक्र से मंसूब हैं, उसके जिक्र से जुड़े हुए हैं, मुर्तबित हैं। हमारी गुफ्तगू जो आपके दरमियान हो रही, बस ज्यादा देर आपके दरमियान आज नहीं आ लेंगे, जो वक्त है उसी पर इंशाल्लाह तमाम करने की कोशिश करेंगे, कि जो गुफ्तगू हमारी और आपके दरमियान रही है वो विलायत अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम राह निजात है। यकीनन ये विलायत अहले बैत अतहार जिसे समझ में आ गई, उसे दुनिया और आखिरत में दोनों जगह कामयाबी नसीब हुई, क्योंकि पैगंबर इस्लाम की सरीही हदीस है, उन्होंने फरमाया कि कोई भी मेरी उम्मत का अमल काबिल कबूल नहीं है, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा किसी भी अमल को जब तक उसके दिल में हम अहले बैत अतहार की विलायत नहीं होगी। नमाज मुंह पे मार दी जाएगी अगर विलायत नहीं है, रोजा मुंह पर मार दिया जाएगा अगर विलायत नहीं, लेकिन अगर विलायत अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के साथ ये इबादतें अंजाम पाई जा रही हैं, तो यकीन जानिए उसमें चार चांद लग जाता है। अभी तक की गुफ्तगू का ये महसल और ये खुलासा रहा है, लेकिन हाँ, जिन लोगों ने इस विलायत को पहचाना है तो उन्हें दुनिया और आखिरत में खुदावंद आलम ने वो कामयाबी अता की है, वो मकाम और मर्तबा अता किया है कि दुनिया रहती दुनिया तक लोग उस पर रश्क करते हुए नजर आएंगे। अब चूंकि आज 8 मुहर्रम है, मैं इसी से मुर्तबित करते हुए बात को करबला के मैदान से उसको मैं जोड़ते हुए उस बात को पेश करूं कि विलायत अहले बैत को जिन्होंने पहचाना, बड़ी तवज्जो चाहता हूं, वो करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हमराह थे, और जिन्होंने इसका इनकार किया वो आपके मुकाबले में खड़े हुए थे। सामने पिसरे साथ क्या कह रहा था, इमाम हुसैन ने जब पूछा है कि क्या पिसरे साथ तू मुझे नहीं पहचानता, मुझे नहीं जानता मैं कौन हूं, कहा कि मैं खूब जानता हूँ, खूब पहचानता हूँ, आप फर्जंदे रसूल है। ये कह देना ही बड़ी फजीलत है कि फर्जंदे रसूल है।
आप फरजंदे रसूल है, आप फरजंदे जहरा जहरा है, जहरा अली है, आप सैयदे सर जन्नत के सरदारों में से हैं, आप जन्नत के सरदार हैं, सैयदे शबाब आल जन्ना की सनद आपके लिए है, आयत अतीर आपके सब कुछ एक्सेप्ट है, फिर क्यों आए हुए हो हमारे कत्ल पर आमादा क्यों? आपके बाबा के बुग्ज में। अल्लाह अकबर। यानी वो विलायत मौलाए कायनात जो गदीर में रसूल ने बयान किया था, लोगों तक पहुंचाया था, बहुत से लोगों को हजम नहीं हुई और उसके बाद लोगों ने सकीफा जैसी जैसे साजिश को रचा, और जब वहां तक वो कामयाब नहीं हुए तो करबला जैसा मारका सामने आया। वो लोग जो पहचानते थे अहले बैत अतहार को, वो भी अहले बैत के मुकाबले में आकर खड़े हो गए कि हमें सब कुछ कबूल है, विलायत अहले बैत कबूल नहीं है। जो लोग मुनकिर विलायत थे वो इमामत को कत्ल कर रहे थे, जो उसका इकरार करने वाले थे उसकी हिफाजत में लगे हुए थे। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। सिर्फ मसला विलायत अहले बैत का था। करबला जो रूनुमा हुई उसका असल मरहला असल मामला विलायत मौलाए कायनात और विलायत अहले बैत है। इसी बेस पर जिन्होंने एक्सेप्ट किया वो मौलाए का मौला के साथ वहां पे हम रकाब थे और साथ साथ थे। जिन्होंने कबूल नहीं किया वो आपके कत्ल पर आमादत। क्या शिमर नहीं पहचानता था इमाम हुसैन? बखूबी पहचानता था। फैसले साथ नहीं पे बखूबी पहचानता। जितने भी लोग आए थे जानते थे, लेकिन जिस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे वो विलायत अली इब्ने अबी तालिब, विलायत इमाम हसन, विलायत इमाम हुसैन, विलायत इमाम जैनुल आबिदीन, इसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। नहीं, हम इसको कबूल नहीं करते। खुदावंद आलम ने जिन्होंने कबूल किया और जिन्होंने नहीं कबूल किया दोनों की जजा और सजा इसी दुनिया में रखी। जिसने गदीर में इनकार किया खुदावंद आलम ने पत्थर नाजिल करके वहीं पर अजाब उस पर नाजिल किया और उसे वहीं पर फिन्नार कर दिया, और जिन्होंने उसके बाद एक्सेप्ट नहीं किया कयामत तक के लिए लानत के मुस्तहक करार पाए हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। उन्हीं शख्सियतों में से मौला अबुल फजल अब्बास, आज 8 मुहर्रम आपसे मखसूस है लिहाजा आपका जिक्र भी आप ही का होना चाहिए। मौला अबुल फजल अब्बास की शख्सियत आप देखें कौन है। विलायत के हामी हैं, मुहामी हैं, मदद करने वाले हैं, नासिर हैं, मददगार हैं। एक एक लम्हे एक एक कदम पर इमामत का की खिदमत करने वाले, इमामत की मदद करने वाले शख्सियत का नाम अबुल फजल अब्बास। आप पहचाने अबुल फजल अब्बास हैं कौन? सिर्फ मौला के भाई नहीं है, सिर्फ रिश्तेदार नहीं है, सिर्फ ये नहीं कि मौला अबुल फजल अब्बास ने इमाम हुसैन का एहतराम एक भाई होने के नाते से किया। बड़ी तवज्जो चाहता हूं, बहुत जरीफ नुक्ता है कि सिर्फ भाई होने के उनवान से आपका एहतराम नहीं किया है, सिर्फ एक रिश्तेदार होने के उनवान से ये आपका एहतराम नहीं किया है। ये तो सब जानते थे कि भाई, लेकिन इमाम मौला अबुल फजल अब्बास ने जो इमाम हुसैन का एहतराम किया है, आपके ताबे रहे हैं, आपके मुती और फरमाबरदार रहे, वो सिर्फ इस वजह से कि आपने इनकी विलायत को एक्सेप्ट किया, इनकी विलायत को कबूल किया, इनकी इमामत को कबूल किया, इमाम को इमाम जानते हुए आपकी इताअत में रहे हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। यही वजह है कि मौला अबुल फजल अब्बास की जो फजीलतें हैं सबसे अलग हैं तमाम शोहदाए करबला में, तमाम शोहदाए करबला में। इमाम हुसैन इमाम है, बात इमाम हुसैन की नहीं, आपके अलावा जितने भी शोहदाए करबला हैं उन तमाम शोहदा में जो मकाम, जो मर्तबा, जो फजीलत अबुल फजल अब्बास को हासिल है वो किसी को नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अच्छा सिर्फ करबला के शोहदा नहीं बल्कि आलम इस्लाम के जितने भी शोहदा हैं, और सिर्फ आलम इस्लाम के शोहदा नहीं बल्कि इससे पहले भी जो भी राह इस्लाम में, राह दीन में, राह खुदा में शहीद हुए, इमाम फरमाते हैं, इमाम की हदीस है, इमाम बयान फरमाते हैं कि कयामत के दिन जब तमाम शोहदा को जमा किया जाएगा और तमाम शोहदा जमा होंगे और तमाम शोहदा महशर के मैदान में
जब मौला अबुल फजल अब्बास के मकामों मर्तबे और फजीलत को देखेंगे तो हर शहीद ये कहता हुआ नजर आएगा, काश ये मकामों मर्तबा हमें हासिल हो जाता जो अब्बास को हासिल हुआ। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए जो जितना बाफजीलत और बामारफत होता है उसकी कुर्बानी भी उतनी ही बाफजीलत और बामारफत होती है। मौला अब्बास उस शख्सियत का नाम है। इल्म में देखें कोई जवाब नहीं है, हिल्म में देखें कोई जवाब नहीं है, अपने जमाने में आबिदों में देखें सबसे बड़े आबिदों में आपका शुमार है। मुहद्दिस आप हैं, मुफस्सिर आप हैं, आलिम कुरान आप हैं, आलिम नहजुल बलागा आप हैं। आप वो हैं कि जिनको मौलाए कायदात ने बिलमुस्तकीम आपको इल्म दिया है। जरा तसव्वुर करें, बहुत सी मिसालें हमें मिलती हैं, बहुत से लोगों के वाकयात मिलते हैं कि जिनको कुछ नहीं आता था। अच्छा, कुछ उलमाए किराम ऐसे हैं कि जिन्होंने 60 साल की उम्र में इल्म हासिल किया, आयतुल्ला बने, मुश्तहिद बने, अल्लामा बने। किस वजह से? मौलाए कायनात से मुतमस्सिक हुए, मौलाए कायनात ने जरा सा उनकी तरफ नजर इनायत किया और उनको इल्म लदुन्नी हासिल हुआ। वो इल्म हासिल हुआ जिसके बेस पर वो आलिम कहलाए, अल्लामा कहलाए, आयतुल्लाह कहलाए, बड़े बड़े मुफस्सिर हुए, बड़े बड़े मुहद्दिस हुए। कौन सी नजर इनायत? जरा सी नजर इनायत। कभी आलम ख्वाब में, कभी जरी से, कभी किसी तरह से, कभी किसी तरीके से उनको इतनी फजीलत मिली। किस वजह से? बाबे शहरे इल्म अली इब्ने अबी तालिब ने जरा सी उनकी तरफ तवज्जो की, थोड़ा सा इल्म उन्हें दिया जो उनके लिए बहुत ज्यादा हो गया। बड़ी तवज्जो, जरा सा इल्म बहुत ज्यादा हो गया। दुनिया में लोगों की तबलीग किया, हिदायत करते रहे, हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में किताबें उन उलमाए किराम ने लिखी। जरा सी मौला की तवज्जो, इतने बड़े आलिम, इतने बड़े मुज्तहिद, इतने बड़े आयतुल्ला, इतने बड़े अल्लामा, ये सब कुछ हुए हाफिज़े कुरान, मुफस्सिरे कुरान। जरा आप तसव्वुर करें वो अब्बास की क्या फजीलत होगी जिसे रोज अली बैठा के पढ़ाते होंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप उनकी अजमत का अंदाजा लगाएं, किन किस बुलंदी पर उनकी फजीलत, जिसे खुद बाबे शहरे इल्मे नबी खुद सामने बिठा कर पढ़ाता हो। और सिर्फ यही नहीं है कि मौलाए कायनात ने पढ़ाया, खुद मौलाए कायनात ने फुनूने जंग को सिखाया है मौला अब्बास। यही वजह है कि लोगों ने जब जंग के मैदान में मौला अब्बास को देखा है तो लोगों को शक हुआ है कि ये अली लड़ रहे हैं। दो ही शख्सियतों पे शक हुआ है, या मौलाए कायनात पर खुदा होने का या मौला अब्बास पर अली होने का। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। लोगों ने जो शक किया मौलाए अब्बास पर अली होने का शक किया है, जब तक आपने चेहरे से निकाब को नहीं हटाया कोई पहचान नहीं पाया आपको कि अली लड़ रहे हैं या अब्बास लड़ रहे हैं। क्योंकि वो जो तलवार चलाने का तरीका है, फुनूने हर वो जंग जो है, सब कुछ मौलाए कायनात ने जब सिखाए तो बिल्कुल उन्हीं के तरीके से। आप तसव्वुर के मौला अब्बास की फजीलत क्या है, किस मकाम मर्तबे पर आपकी फजीलत, कितना बड़ा मकाम मर्तबा, सारी फजीलतें अपनी जगह। खुद छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहि सलातो वसलाम, जिन्होंने ज़ियारत किया मौला अब्बास के हरम की, वो लायके तारीफ हैं। जिन्होंने नहीं किया, खुदावंद आलम सबको तौफीक दे कि हम सबको मौला अब्बास के जरिए की ज्यारत नसीब हो, करबला जाना नसीब हो, इमाम हुसैन की ज्यारत नसीब हो, मिलजुल कर इसकी कबूलियत की। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो लोग रोजे में गए, देखा होगा जब रोजे में दाखिल होने से पहले एक इज्न दुखूल, एक दुआ लिखी है जिसे इज्न दुखूल, यानी जो रोजे में इंटर होने के लिए इजाजत नामा। हाँ, जब तक वहां से मतलब नहीं इजाजत, वो इजाजत नामा है। किसकी जबानी है वो? किसी आलिम की जबानी नहीं है, किसी इंसान की जबानी नहीं है, आम इंसान, बल्कि खुद छठे इमाम ने उस दुआ को तहरीर फरमाया। खुद छठे इमाम की जबानी वो दुआ है। अब उसके जुमले को देखें, मौला अब्बास की फजीलत का अंदाजा लगाएं कि क्या फजीलत है। आप बयान फरमाते हैं, यबना अमीर अल मोमिनीन,
सलाम हो आप पर खुदा का, खुदा के मुकर्रब फरिश्तों का, उसके रसूलों का, उसके आइम्मे ताहरीन का, मोमिनीन का, शुहदा का, सालेहीन का, मुकर्रब बंदों का। जरा तसव्वुर करें कि ये अबुल फजल अब्बास की शख्सियत वो है जिसको खुदा सलाम कहलवाए, जिसको रसूल सलाम कहें, जिसको अंबिया सलाम कहें, जिसको शुहदा सलाम करें, जिसको सालेहीन सलाम करते हैं, उसे अबुल फजल अब्बास कहते हैं। यही वजह है कि ज़ारत में हम लोग पढ़ते हैं जो छठे इमाम की वो ज़ारत है, किसी आम इंसान की नहीं। और एक और बात मैं बता दूं आपको, अपने जहन में रखिए, जितनी भी हम दुआएं पढ़ते हैं, जितनी भी ज़ियारतें पढ़ते हैं, वो किसी आलिम की तरफ से नहीं है कि किसी ने अपने मन से लिख दिया है उसको। ये सारे वर्ड्स हैं किसके, इमाम की जबानी। इस बात को याद रखिएगा, मफातिल जनान वगैरह में जो दुआएं हम लोग पढ़ते हैं, ज़ियारतें मखसूस है इमामों से, ये सारी ज़ियारतें इमाम से मंसूब, इमाम ने उसको तालीम दिया है हमें। हम अपनी जबानी नहीं पढ़ते, इमाम की जबानी पढ़ते हैं, इमाम के दिए वर्ड्स को हम दोहराते हैं। हाँ, ये बाफजीलत हमारी जबानों में असर नहीं है। इमाम अगर तालीम दे तो खुदा उस दुआ को रद्द नहीं करता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, इमाम की ज़ियारत पहला जुमला इमाम फरमाते हैं, अस्सलाम वालेका अय्युहल अब्दुस सालेह, ए अब्द साले आप पर हमारा सलाम हो। अलमुती लिल्लाह वले रसूल ही, उस पर सलाम हो जो अल्लाह का मुती हो, मुती है और रसूल का मुती है। फातिमा जहरा का मुती हो फरमा बरदार है, मौलाए कायनात का मुती हो फरमा बरदार है, इमाम हसन के मुती है, इमाम हुसैन के मुती है, रिसालत के इताअत गुजार है, इमामत के इताअत गुजार है। ये सनद दी है छठे इमाम ने कि मौला इमाम मौला अबुल फजल अब्बास की शख्सियत वो शख्सियत है कि जिसने रसूल की भी इताअत की है, इमामों की भी इताअत की है। अब किसी को जिंदगी गुजारना है तो सीरत अब्बास को अपना ले, वो रसूल का मुती भी कहलाएगा, इमामत का मुती भी कहलाएगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, जिंदाबाद जिंदाबाद। बस अजीजाने गिरामी, बस यही था आपकी मंजिल। अब इसके बाद इंशाल्लाह कल की मंजिल में मैं इसको बयान करूंगा। आप जरा सोचें और तसव्वुर करें कि मौला अबुल फजल अब्बास की क्या मंजिलत होगी कि कयामत में सारे शुहदा रश्क करेंगे, काश हमारा ये मकाम व मर्तबा हो। और तो और, इमामत नाज कर रही है आप पर। जब मौला अब्बास इमाम हुसैन के पास आते हैं इजाजत लेने के लिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पहला जो वर्ड है उसको लोग इस्तेमाल नहीं करते बयान, वो असल वर्ड। वो बाद में कहा है पानी लाने के लिए कि भैया जाइए आप पानी की सबील कर दीजिए, जंग की इजाजत नहीं है। लेकिन इससे पहले का वर्ड क्या है, जो इल तो फिदाक, ऐ मेरे भैया बास मैं आप पर फिदा हो जाऊं। समझे आप कुछ माना है इसका मफहूम, समझा आपने, गौर किया कभी, जो इल तो फिदाक, इमामत जिस पे फिदा हो, जिस पर निसार हो, उसे अब्बास कहते हैं। इमामत निसार है, इमामत फिदा हो रही है उस अबुल फजल अब्बास पर। कोई इसी यही वजह है खुदावंद आलम ने आपको वो फजीलतें अता की हैं, बाबुल हवाइज आप हैं, बाबुल मुराद आप हैं। आप इनके रोज़े पर जाइए, इनके नाम के तवस्सुस से दुआ करें, कहीं पर भी दुनिया के जिस कोने पर भी हों, जिस कोने में भी हों, जो भी मुश्किल, बाबुल हवाइज के हवाले से दुआ करें, खुदा आपकी दुआ को मुस्तजाब करें। और यकीनन जब दुआएं कबूल ना हो, कहें ऐ बाबुल हवाइज आपको आपकी भतीजी का वास्ता, सकीना बिनतुल हुसैन का वास्ता, कैसे मुमकिन है दुआ कबूल ना हो। अल्लामा शेख अब्दुल रहीम बयान करते हैं कि मैं इमाम मौला अब्बास के हरम में पहुंचा, मौला अबुल फजल अब्बास के हरम में, कई दिन से मैं दुआ मांग रहा था, जो हाजतें हैं आपकी उन हाजतों को मांगे मौला अबुल फजल अब्बास से। मैं कई दिन से मौला अब्बास से कुछ दुआ मांग रहा था लेकिन मेरी दुआ मुस्तजाब नहीं हो रही थी।
एक दिन मैंने देखा कि एक बद्दू अरब, बद्दू कहते हैं देहाती, देहाती अरब अपने एक अपाहिज लड़के को अपने कंधे पर टांगे हुए, लटकाए हुए हरम में दाखिल हुआ, यूं ही नंगे पैर, कोई सेंस नहीं कैसे हरम में जाया जाता है। आकर उसने जरी के पास बेटे को रखा, जंजीर से वहीं पे बांधा और कहा कि माशाल्लाह, ऐ अब्बास मेरे बच्चे को शिफा दे, मैं बाहर जा रहा हूँ, अंदर आऊँ जब तक मेरा बच्चा सही होना चाहिए, मैं अपाहिज लेकर आया था, यहाँ से सालिम लेकर जाऊँगा। अल्लाहु अकबर। ये जो अल्लामा शेख अब्दुर्रहीम थे वो खड़े हुए इस मंज़र को देख रहे थे। अब जाहिर सी बात है, एक आलिम, एक अच्छा मोमिन जब मौला के हरम में जाता है, वज़ू करता है, अपने जिस्म की तहारत करता है, वज़ू करता है, अच्छे लिबास पहनता है, खुशबू लगाता है, पहले ज़्यारतनामा पढ़ने से पहले इज़्ने दुखूल पढ़ता है, फिर ज़्यारत पढ़ता है, ज़री को चूमता है, फिर दुआ मांगता है, ये आदाब ज़्यारत में से। लेकिन एक शख्स आया, यूँ ही हरम में दाखिल हुआ और दाखिल होके अपने बेटे को रखा और कहा मुझे ये चाहिए, मेरा बच्चा सही होना चाहिए। ये अभी ताज्जुबी में थे कि कैसा इंसान है, डिसिप्लिन नहीं है, कुछ कुछ सेंस नहीं है, इस तरह से आके जो अचानक देखा कि वो बच्चा चिल्लाना शुरू करता है, चीखता है, कहता बाबा जान, बाबा जान, मुझे मौला अब्बास ने शिफा दे दी। अल्लाह, वो जो अभी बाप के कांधे पर आया था अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह, अपने पैरों पर खड़ा हो गया। बाप उसका दौड़ कर आया, खुश हुआ, जंजीर से निकाला और कहा मौला अब्बास बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरे बच्चे को शिफा दी। उसके बाद चला, वाक्य यहीं ख़त्म हो जाता। मौला के मौजज़ात, मौला के एजाज़ वो तो सबके साथ होते रहते हैं, लेकिन बात इससे आगे थी जो शेख अब्दुर्रहीम के दिल पर लग गई। वो कौन सी बात थी कि मौला मैं रोज़ाना पूरे डिसिप्लिन के साथ, पूरी पाबंदी के साथ, वज़ू के साथ, तहारत के साथ, ज़्यारत पढ़कर, दुआ पढ़कर आपकी ज़री के पास एहतराम से आकर आपका दुआ करता हूँ, मेरी दुआ नहीं मुस्तजाब हो रही। और एक बद्दू आया इस तरीके से, उसने दुआ मांगा जो तरीका नहीं होता, ऐसे आपके नाम से ख़िताब किया कि जो नाम ख़िताब नहीं किया जाता, और आपने उसकी दुआ को मुस्तजाब कर ली। ठीक, यही अगर रवादारी है तो ठीक है, आज के बाद मैं आपके हरम में नहीं आऊँगा, अब दुआ आपसे मैं नहीं मांगूँगा। अल्लाहु अकबर। ये कहकर वो वहाँ से निकले और कुछ दिनों के बाद उनका साबका हुआ उस वक्त के मरजे आला, मरजे वक्त शेख अंसारी, उस वक्त ज़िंदा थे, बहुत बड़ा नाम है, इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो बयान, शेख अंसारी की खिदमत में पहुँचते हैं, बस मजलिस तमाम पे रबते मसाहिबी, शेख अंसारी की खिदमत में पहुँचते हैं। और जैसे शेख अंसारी की खिदमत में पहुँचे, शेख अंसारी ने बुलाया, ऐ शेख अब्दुर्रहीम मेरे करीब आओ। कहते हैं मैं उनके करीब गया, जैसे ही करीब पहुँचा, शेख अंसारी ने अपने बगल से दो थैलियाँ पैसों की निकाली और मेरे हवाले की, कहा कि ये क्या है? कहा कि ये पहली थैली जो है पैसों की, इससे तुम अपना मकान और अपना घर बनवा लेना। कहा ये दूसरी थैली? कहा दूसरी थैली इसलिए ताकि तुम हज्जे बैतुल्लाह को अंजाम दे सको। अल्लाह अकबर। वो कहते हैं मेरी आंखों में आंसू आए, मैंने फौरन ही मौला अबुल फजल अब्बास के रोज़े का रुख किया और कहा मौला आप मुझसे नाराज़ तो नहीं हैं कहीं, मैंने यही तो दो दुआ मांगा था, बहुत दिन से यही दुआ तो मांग रहा था कि मेरे पास ही इतनी दौलत आ जाए ताकि मैं अपना घर बनवा सकूँ और हज्जे बैतुल्लाह को जा सकूँ। शेख अंसारी पूछते हैं, ऐ अब्दुर्रहीम आखिर हुआ क्या है, ये गिरिया क्यों कर रहे हो, ये गिरिया क्यों कर रहे हो? कहा मेरी दुआ मुस्तजाब हुई, आखिर मुझे ये बताइए ये पैसे कहां से आए? कहा वो फरमाते हैं कि ऐ शेख अब्दुर्रहीम तुम वहां शिकायत करके आए ना, अबुल फजल अब्बास ने आकर मुझे ये दिया, कहा कि शेख अब्दुर्रहीम जब आ जाए तो उसको ये दौलत दे देना, थैलियां दे देना और कहना देखो इस तरह से नाराज नहीं हुआ जाता। हम तो आलिम हो ना,
तुम तो समझदार, तुम तो अपने हो ना। जज़ाकुम रब्बुकुम खैर अलजज़ा, खुदा आपको सलामत रखे अज़ादारो। आठ मुहर्रम गुजर गई, आज हाजिरी की नजर होती है ना, हाजिरी की नजर होती है ना, जगह जगह मौला अब्बास की नजर का एहतमाम किया जाता है। सकीना का वास्ता दे के दुआ मांगा करे, खुदा आपकी दुआओं को मुस्तजाब करेगा। जज़ाकुम रब्बुकुम खैर अलजज़ा। हाँ अज़ादारो, जानते हो यही वो अब्बास जिसको सकीना का वास्ता बड़ा पसंद है ना, क्यों ना पसंद हो। ऐ अज़ादारो, सकीना की आस पूरी ना हो सकी, सकीना की आरजू पूरी ना हो सकी, शायद यही वजह है जब हुसैन अब्बास के करीब पहुंचे, अब्बास ने अपने आका से कहा मेरा लाशा खैमे में न ले जाना। कहा अब्बास क्यों? कहा नहीं माका, नहीं बोला, मुझे यही तराई पर रहने दीजिएगा, मुझे यही छोड़ दीजिए। हाँ जा, जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। अब्बास ऐसा क्यों कह रहे हो? अब्बास ने कहा मेरे आका, मेरे मौला, मैं सकीना और बच्चों से बड़ा शर्मिंदा हूं, मैंने वादा किया था कि पानी लेकर आऊंगा, लेकिन मैं सकीना को पानी ना पहुंचा सका। हाँ जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा, खुदा कोई गम ना दे। सुबह से आप मजलिसों में शिरकत कर रहे हैं ना आज़ादारो, मौला अबुल फजल अब्बास के मसाइल सुन रहे हैं, लेकिन हाँ आज़ादारो, मैं बस एक रवायत बयान करूंगा और खत्म मसाइब और खत्म दुआ। हाँ आज़ादारो, हाँ आप तो सुनते, मौला अब्बास मशकीजा लेकर खैमे से, सकीना का खैमे से मशकीजा लेकर फरात की तरफ बढ़े, फरात से पानी को भरा, मश्क को दोष पर रखा, आलम को संभाला। हाय अब्बास खैमे की तरफ बढ़ रहे हैं। हाय अज़ादारो, खुदा किसी की आस को ऐसे न तोड़े जैसा अली मौला अब्बास की आस टूट गई। अज़ादारो, अज़ादारो, आपने तसव्वुर किया है फरात में उतरना बड़ा सख्त मरहला है, फिर उस पर चढ़ना उससे सख्त मरहला होता है। जब अब्बास को आते हुए फौजे अश्किया ने देखा ना, फरात का पहरा छोड़ छोड़ कर लोग दूर भाग गए। मौला अब्बास फरात में उतर रहे हैं, बुलंदी से नीचे की तरफ आ रहे हैं। आज़ादारो, फरात में खुद को उतारा, घोड़े को उतारा, बड़ी देर तक खुश्क मशकीजे को तर किया, और जब मशकीजा तर हो गया तो पानी उसमें भरा। जब पानी भर लिया ना, अब अब्बास मशकीजे को दोष पर रखे हुए फरात से खैमे की तरफ बढ़ना चाहते हैं। उधर पे सरसाद की आवाज गूंजी, ऐ मेरे फौजियों कहाँ हो? एक कतरा अगर पानी हुसैन के खैमे में पहुंच गया ना, जब तुम तीन दिन के प्यासों का मुकाबला नहीं कर सकते, तो फिर उनका कैसे मुकाबला करोगे? आज़ादारो, जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। मजलिस तमाम हो गई आज़ादारो, बस दो जुमले हैं। आज़ादारो, एक मरतबा जब फौजें सिमटना शुरू हो गई ना, चारों तरफ से अब्बास का मुहासरा किया गया। कोई तीर चला रहा है, कोई तबर चला रहा है, कोई तलवार चला रहा है। जानते हो आज़ादारो, अब्बास आलमदार के हाथों में, शेर गजनफर के हाथों में एक टूटा हुआ नैजा है, एक हाथ में आलम है, कांधे पे मशकीजा है। मश्क को भी बचाना है, अलम की लाज को भी रखना है, खुद को भी हिफाजत करना है। ऐ आज़ादारो, अब्बास बढ़ते रहे। कुछ दूर बढ़ने के बाद एक मर्तबा एक शकी ने कहा कि जल्दी करो, अब्बास खैमे में ना जाने पाए। ऐ आज़ादारो, बढ़ के एक वार किया, अब्बास का दाहना बाजू कलम हुआ। एक मर्तबा आलम लड़खड़ाने लगा, अब्बास ने आलम को बाएं हाथ में लिया। ऐ आज़ादारो, एक मर्तबा एक शकी ने बाएं बाजू पे वार किया, शाना कलम हुआ, आलम जमीन पर। अब्बास ने मशकीजे को दांतों से दबाया। ऐ मेरे अल्लाह, अब्बास कुछ नहीं चाहता, ये मश्क को सकीना तक।
हाँ जजाकुम जजाकुम रब्बुकुम खैरल जजा, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम सैयदुश्शहदा के। ऐ आज़ादारो, बड़ा कयामत का मंजर था। अभी भी मौला अब्बास की ये पूरी कोशिश है किसी तरह से मश्क आगे बढ़ जाए, किसी तरह से खैमे में पहुंच जाऊं, मशकीजा पहुंचा दूं। ऐ आज़ादारो, किसी के नज़दीक आके हमला करने की जरूरत नहीं है, हाथ कलम हो चुके हैं। अब्बास का रोब वो है, अब्बास का दबदबा वो है। हाँ आज़ादारो, जानते हो ऐसे में एक शकी ने एक सनसनाता हुआ तीर रवाना किया। जब मश्क सकीना पे आके लगा, मश्क पे तीर का लगना था, पानी बहने लगा। मैं कहूंगा नहीं नहीं आज़ादारो, ये मश्क से पानी नहीं बह रहा था, अब्बास के जिगर का लहू। हाय 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 हाय, जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा, खुदा आपकी आवाज़ों पे रहमत नाजिल करे आज़ादारो। हाँ आज़ादारो, जो उधर सकीना बच्चों को लिए मुंतज़िर थी ना, अलम आ रहा है, अलम आ रहा है, अलम आ रहा है, अलम आ रहा है। एक मरतबा अब्बास ने आवाज़ दी, अस्सलामु अलैका या अब्दुल्लाह। नहीं पता आज़ादारो अब्बास पर क्या गुजरी, हुसैन सरहाने तो पहुंचे, लेकिन ये मामला तो उस वक्त पता चला जब कहले हरम का काफिला मदीने पहुंचा है। बशीर इब्ने जज़लान सदा दे रहा था, हुसैन कत्ल हो गए, अब्बास का मारे गए, कासिम मारे गए, अकबर मारे गए। ऐ आज़ादारो, एक ज़ईफ़ा ने असा को संभाला, बशीर क्या कहता है, तू क्या कह रहा है, मेरा आका हुसैन मारा गया, ये कैसे हो सकता है, मेरा अब्बास क्या नहीं था, मेरा अब्बास मौजूद नहीं था। ऐ आज़ादारो, सुनोगे बशीर इब्ने जज़लम की ज़बानी। एक मर्तबा बशीर कहता है, ऐ बीबी आप कौन है, इस तरह से क्यों सवाल कर रही है। एक मर्तबा उम्मुल बनीन कहती है, मैं उसी अब्बास की माँ उम्मुल बनीन हूँ, मेरे चार बच्चे थे जो करबला में गए। बशीर ने कहा, ऐ उम्मुल बनीन अब अपने जिगर को संभाल ले, दिल पे जरा हाथ रख ले, तेरे अब्बास ने कोई बेवफाई नहीं की, बल्कि जब तक अब्बास जिंदा थे किसी में जुर्रत न थी हुसैन की तरफ नजरें मिलाकर देखता। हाँ जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। हाँ एक मर्तबा उम्मुल बनीन कहती, बशीर फिर हुआ क्या। एक मर्तबा बशीर कहता है, उम्मुल बनीन सुन न सकोगे, बड़े सख्त मसाइब हुए, अब्बास एक टूटा नैजा लिए फरात पर गए थे। हाँ आज़ादारो, एक मतलब बशीर कहता है, जब अब्बास के दोनों शाने कलम हो गए, मशकीजा छिद गया, पानी बह गया, ऐसे में एक शकी ने एक तीर मारा, अब्बास की आंख में आकर पेवस्त हुआ। अब्बास ने जा उस तीर को जानवर से निकाले, एक मतलब एक शकी ने एक गुर्द से सर पे ऐसा वार किया, अब्बास तड़प कर जमीन पर गिरे। हाय जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा, मजलिस खत्म हो गई आज़ादार, बस आखिरी जुमला। एक मर्तबा उम्मुल बनीन तड़प गई, ऐ बशीर इंसाफ नहीं किया, जरा ये तो बता, जब शहीद गिरता था तो उसके हाथ धोते थे, अरे मेरा गाजी जब गिरा तो कैसे गिरा। बस आज़ादारों सुन ना सकोगे, एक मर्तबा बशीर कहता, ऐ उम्मुल बनीन ये गाजी अब्बास के सर पे जब गुर्ज लगी है, हाथ न थे कि जमीन पर सहारा देता, मुंह के बल गाजी जमीन पर गिरा, आवाज दी ऐ आका मदद को आओ, अब्बास जा रहा है। हुसैन ने आवाज को सुना, आवाज दी, भैया अलान इनका सरा जहरी, तेरे मरने से मेरी कमर टूट। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रदम बकदोई व तस्लीमन लिअम्र या अल्लाह।
حميد يا محمود بحق محمد يا علا بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين الأتشان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم الصلاة والسلام بار الله ہماری اس عبادت کو قبول فرما ہم میں جو بھی پریشان حال ہیں ان کی مشکلات و پریشانیوں کو دور فرما جو بھی مقروض ہیں ان کے قرضوں کو از غیب ادا فرما خدایا ہم میں جو مریض ہیں اب الفضل العباس علیہ السلام کے صدقے میں سب کو شفا کامل و عاجل عطا فرما خدایا دنیا میں جہاں کہیں بھی عزادار ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو ان کی ناموس اور بچوں کی حفاظت فرما الہی تجھے اس فرش عزا کا واسطہ اس ذکر سید الشہداء کا واسطہ مصیبت عظما کا واسطہ میرے مالک میرے معبود اپنی آخری حجت کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ماتم حسین یا حسین